स्वागत है आपका आज के हमारे व्लॉग में। तो ये जो आज का व्लॉग देख रहे हैं ये एक्चुअली जनवरी का व्लॉग है जो कि अब जाके मैं पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरा 7वां महीना प्रेगनेंसी का चल रहा था। मूड स्विंग्स इतने होते थे कि कुछ मन ही नहीं करता था पोस्ट करने का, मोबाइल देखने का भी मन नहीं करता था। तो अभी आप देख सकते हैं हम जैसे कि पोर्ट ब्लेयर में हैं और ये हमारे होटल के सामने का व्यू है। बहुत ही सुंदर सा ये हमने होटल बुक किया था जो कि सामने से इतना अच्छा यहाँ पे व्यू दिखता था। इस होटल का नाम है अंडमान कैसल। कभी आप लोग भी जाइएगा तो यहाँ पे आप स्टे करने का ट्राई कीजिएगा ज़रूर। ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड रहता है और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर। हमारे रूम के सामने ही जस्ट सी है, तो यहाँ मॉर्निंग में आई हूँ। अभी सुबह के 7 बजे हैं अंडमान में। अभी हम निकलेंगे हैवलॉक के लिए, वहाँ पर हमारा 3 डेज का स्टे है। और देखते रहिए आप आगे वीडियो में और क्या क्या आपको मिलने वाला है। बहुत ही सुंदर सा व्यू है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना सुंदर है। और वो पीछे में हमारे रूम्स हैं। कैसा लग रहा है माँ जी? क्या खूबसूरत नजारा। मम्मी, हाँ, हम बोट पे कैसे पहुंच जाएंगे? यहाँ थोड़ी जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे। कुछ बताइए फिर, आप कब निकलेंगी है व्लॉग के लिए? बस अभी 1 घंटे के बाद। नाश्ता वगैरह किया आपने? अभी करने वाले हैं, बस तैयार है नाश्ता। अभी हम निकल चुके हैं हैवलॉक के लिए और हैवलॉक जाने के लिए हम लोग क्रूज़ में बैठ कर के जाएंगे। क्रूज़ का जो हमने बुकिंग था वो ऑनलाइन ही कर लिया था पहले से, और अराउंड 1 आवर में हम जो है हैवलॉक पहुंच जाएंगे। वहां पर भी हमने अपना एक रिज़ॉर्ट में बुकिंग कर ली है पहले से ही ऑनलाइन, तो इसमें जाएंगे। अभी पहले अपना लगेज यहाँ पर देंगे फिर अंदर जाके बैठेंगे। तो हम हैवलॉक पहुंच चुके हैं और इसका नाम अब हो गया है स्वराज द्वीप। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम स्वराज द्वीप में पहुंच गए हैं और अब हम सीधा जाएंगे यहां से अपने रिज़ॉर्ट की तरफ। और क्रूज़ में बहुत मज़ा आया मुझे, तो एक्चुअली ना उल्टी हो गई, क्योंकि जब ये क्रूज़ चलता है तो पानी में इतना हिलता है कि आपका सर चकरा जाता है। तो मैंने तो यहाँ पर वॉमिटिंग कर ही दी थी। फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं अपने रिज़ॉर्ट की तरफ। तो हम पहुंच चुके हैं रिज़ॉर्ट, पेलिकन बीच रिज़ॉर्ट इसका नाम है। बहुत ही खूबसूरत रिज़ॉर्ट है, यहाँ पे आप बीच साइड पे एकदम देख सकते हैं ये रिज़ॉर्ट है। ये हमारे रूम्स हैं इस तरफ, और रूम्स के एकदम सामने जो है आपको समुद्र दिखता है नीला नीला, और क्या ही सुकून वाली जगह है। और हम लोग 12 बजे दोपहर के अराउंड पहुंच गए थे, उसके बाद हम लोग तो सीधा ही ना कुछ खाया ना कुछ, आकर के एकदम यहाँ बैठ गए। मम्मी भी टहनी पे बैठ के मज़े कर रही हैं। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे देखिए कितना सुंदर दिख रहा है दृश्य। ये जो पानी आप देख सकते हैं अभी काफ़ी पीछे है, बट जैसे जैसे शाम होगी तो ये पानी हमारी तरफ आ जाएगा एकदम आगे तक। ये लाइन ब्लैक लाइन जा रही है, मतलब यहाँ तक पानी आ जाता है शाम को। देख सकते हैं आप कितना पानी अभी आ गया है, उस टाइम पे बिल्कुल पीछे था पानी और हम लोग एकदम पानी में जाके जो है कूद गए हैं। बेटा नहीं आया, वो डर के हमारे पीछे ही बैठा है।
हेलो हाय करो कुछ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अंडमान से सीधी आए पहुंचे आप तक। दोस्तों समुद्र में मजा लेंगे। तो कुछ इस तरीके से रहा हमारा हैवलॉक में पहला दिन। काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी शानदार। इतनी मस्ती की कि जो यादें हैं वो अभी तक भी ताज़ा हैं हमारे दिल और दिमाग में। तो कैसा लगा आपको हमारा ये व्लॉग हमें ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय।